समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बेचारे नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है कि बेचारा शब्द अब नरेंद्र मोदी जी के आगे लिखना लाजमी हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का दुख, वो एक डायलॉग है ना, आपने सुना है, दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दुख कम क्यों नहीं हो रहा है, वो डायलॉग आपने सुना होगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को लगातार एक के बाद एक ऐसे झटके मिल रहे हैं कि उनका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जो है, उन्होंने सुबह सुबह उठ करके जो बोला था इतना सारा, वो सारा लपेटना पड़ा। उनको कहना पड़ा कि हम किसान कानूनों को वापसी ले रहे हैं, ये कहना पड़ा। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि चलिए यूपी चलते हैं, वहां पर योगी जी ने बढ़िया रैली का इंतजाम किया होगा। पानी की तरह जो है पैसा बहाया गया, करोड़ों पैसा बहाया गया है, सरकारी खर्चे पर जो है बसें लगाई गई। उसके बावजूद मोदी की रैलियों में लोग नहीं आए, कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। कुर्सी एक दो नहीं, दस बीस नहीं, हजार दो हजार नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। कमाल की बात है, मोदी जी की और लोग कितनी अब जो है फजीयत करेंगे, कितनी और बेइज्जती करेंगे। लोग अब क्यों मोदी जी पर तरस नहीं खाते, कम से कम उनकी रैलियों में वैसे ही चले जाएं, कम से कम कुछ तो तरस खाना चाहिए। लेकिन यूपी के लोग ऐसा लग रहा है कि इस बार पूरे मजे लेने के मूड में है। आप ये देखिए, एक वीडियो जो है वो सामने आई है, महोबा में नरेंद्र मोदी की रैली थी और वो वीडियो जो है वायरल हो गई, और वो वीडियो वायरल होती होती जो है वो अब पहुंची है, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाता कि लाखों की संख्या में भीड़, ये वो तमाम चीजें, लेकिन अब लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के घूमते हैं और लोग वीडियो बनाते भी हैं और वीडियो फिर वायरल धीरे धीरे होकर के फैल जाती है। अब देखिए, यही वीडियो जो है संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी आपके झूठ सुन सुनकर जनता उब गई है, आखिर पुराने कैसेट कब तक बजाएंगे। देखिए महोबा में मोदी जी के जुमले सुनकर जनता पलायन कर गई। जैसे ही मोदी जी ने बोलने की शुरुआत की, जनता वहां से उठ करके चलती बनी। आप खुद से देखिए कितनी बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रह गई, देखिए आप घर जा रही है, देख सकते हैं आप, तमाम जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी, लोग पहुंचे थे, लाखों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वो लोग बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को छोड़कर वापस जा रहे हैं। कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं सकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा। इस समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम कमाल की बात है, इतना पैसा, इतना प्रचार और इतनी भारी भरकम लोकप्रियता के साथ में नरेंद्र मोदी जी रैली करने जाते हैं। विश्व के सबसे नंबर वन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहकर के उनका जो है वहां पर स्वागत किया जाता है। योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं उनके बारे में। और बड़ी बात यह है कि ये कहने के साथ साथ पैसा लगा करके, पैसा पानी की तरह से बहा करके बसों का इंतजाम किया जाता है। ये खबर देखिए, इसी रैली की खबर है, जिस रैली में लोग नहीं आए उसकी खबर है। महोबा में 19 नवंबर को मोदी की रैली के लिए 1600 बसें लगाई गई, सिंचाई विभाग देगा पैसा। उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग, वो एक पानी की तरह से पैसा बहा रहा है। सिंचाई विभाग का काम जो है वो खेतों में पानी पहुंचाना है, लेकिन वो पानी की तरह पैसे बहा करके लोगों को मोदी की रैली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। 1600 बसें जो हैं वो अकेले सिंचाई विभाग की जिम्मे आई थी, लोगों को रैली में लाने, ले जाने, उनके खिलाने पिलाने सारे इंतजाम के लिए जो है वो पैसा लगाया गया था, लेकिन लोग कमबख्त नहीं आए। बड़े बेगैरत लोग हो गए हैं उत्तर प्रदेश के, बताइए, इतना भी कहना नहीं मानते हैं, कम से कम आना चाहिए। अब बड़ी बात यह है, देखिए, अगर ये लोग आ जाएं, मोदी जी की रैली में लोग आ जाएं, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? यूपी के लोगों का फायदा है। अब देखिए, अगर लोग आ गए
तो कम से कम जो पैसा लगाया कम से कम वो वसूल हो गया। और अगर लोग नहीं आए तो अब ये 1600 बसें लगाई गई हैं, अगली बार हो सकता है 3200 लगाई जाए, 4800 बसें लगाई जाए और 5000 बसें लगा दी जाए। तो आप उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझिए, चलिए आपको वोट जिसको देना जिसको नहीं देना है आप उसको दीजिए कम से कम, लेकिन रैली में चले तो जाइए, वरना ये बसों का खर्चा आप ही के सर पर आएगा। अब 1600 लगाई है, अगली रैली में 5000 बसें लग जाएंगी। देखिए मजाक की बात अपनी जगह पर है, लेकिन सीरियस बात यह है कि वाकई मोदी जी की रैलियों में लोग नहीं आ रहे, मोदी जी को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई, अभी हफ्ता भर पहले की खबर है, मध्य प्रदेश में किस तरह से मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां जो खाली रह गई थी, और वहां पर केवल 4 घंटे के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे, 23 करोड़ रुपए, और कुर्सियां खाली रह गई थी। देखिए एक बार आप यही हाल है बीजेपी के किसी नेता को आप उठा करके देख लीजिए, उसकी रैलियों को उठा करके देख लीजिए, रैलियों से पहले पैसे को पानी की तरह से बहाया जाता है, लोग नहीं आते हैं। ये देखिए आजमगढ़ में ये अमित शाह के लिए 40 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए, महोबा में 19 नवंबर की मोदी की रैली के लिए 1600 रुपए सिंचाई विभाग ने खर्च किए, रोडवेज बसों का टोटा था, जिस तरह मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया उस दिन, और प्रवासी मजदूर जो है वो सूटकेस पर अपने बच्चों को लेकर के आए थे। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, ये एक आईना है। ये तो स्थिति थी जब नरेंद्र मोदी जी ने किसान कानूनों को वापसी नहीं लिया था तब, अब किसान कानूनों को वापसी लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी एक तरफ खाई थी दूसरी तरफ जो है वो खड्डा था, दोनों में से किसी एक को चुनना था। अब मोदी जी कूद गए खाई के अंदर, अब खाई में कूदने के बाद में क्या हुआ, उन्हीं के कार्यकर्ता, ये खबर आप देखिए हमने आपको दिखाई है, हिंदू महासभा के लोग जो हैं वो अब मोदी जी से नाराज हो गए हैं, और हिंदू महासभा क्या कह रही है, हिंदू महासभा ने कार्यालय से तस्वीर हटा दी और कहा जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं, ये हिंदू महासभा कह रही है। बताइए आपको नॉर्मल जनता वो सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको कहीं से भी जो है वो आपके कार्यकर्ता वो आप निठल्ले हो गए हैं कि प्रशासन जो है वो काम कर लेगा, और जो आपके हिंदू महासभा VHP RSS जो आपका ऐसा कट्टर वाला जो समर्थक है वो क्या कर रहा है, वो तो ऐसी बात कह रहा है कि हम तो कह भी नहीं सकते, अगर किसी और ने कही होती तो उस पर अभी तक UAPA लगवा दिया जाता, लेकिन अभी ये अलीगढ़ के अंदर कहा गया है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं, अब क्या कहेंगे इसको। और दूसरा आप देखिए कि किस तरह से ये विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है कि ये जो भाजपा के जो उच्च स्तरीय सूत्र है वो बता रहे इस बात को कि आनन फानन में कृषि कानून को इसलिए वापस ले लिया गया कि यूपी में और उत्तराखंड में यूके में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, ये खुद के उनके सर्वे कह रहे हैं इस बात को। दूसरा है कि पंजाब में भी निश्चित हार है, पंजाब में तो एक सीट या दो सीट या पंजाब में तो ऐसा हाल है कि कहीं पर उनकी मेज टेबल भी शायद ना लगने दी, ये मान करके चलिए आप पंजाब में रैली तक नहीं होगी, मान करके चलिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी रैली करने जाएंगे तो उस दिन किस तरह से हाल होगा पंजाब में वो भी सोच करके देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख समुदाय के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है लीड इस किसान कानून के सिख समुदाय ने की थी, तो सिख समुदाय के अंदर जबरदस्त तरीके से जो है मोदी को लेकर के गुस्सा है। इन सारी बातों को लेकर के आनंद फानन में फैसला किया गया कि किसान कानूनों को अब वापस लीजिए, क्योंकि अब जो है इतना खतरनाक हमको झटका लगने वाला है, हम उभर नहीं पाएंगे। और यूपी गया मतलब 2024 भी गया, ये बीजेपी भी जानती है, ये लोग भी जानते हैं, और इसीलिए जो है ये वापसी लिया गया। लेकिन अब सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो अब समझ रहे हैं कि कैसे, अब मजाक में कुछ भी कह लीजिए, आप व्यंग में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है। बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया में तो ये खबर चलेगी नहीं, लोगों ने इस वीडियो को बना करके वायरल किया है, आप भी वीडियो बनाइए, किसी की भी रैली हो, चाहे अखिलेश की, मायावती की, राहुल गांधी प्रियंका की, मोदी की, योगी की, किसी की भी रैली हो, आप बताइए लोगों को सच्चाई क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, गोदी मीडिया तो जिसके जेब में पैसा जाता है वो उसी का गुनगाता है।
बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।